बीजेपी का मिशन 2024। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्तवंत। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी में हो रही प्रदेश कार्य समिति की पार्टी नेतृत्व पर पूरा फोकस रहेगा और साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पार्टी का पूरा फोकस है। बता दें, हाल ही में बीजेपी ने चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी ने जबरदस्त जीत हासिल की और उसके बाद बीजेपी अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि सीधे सीधे लक्ष्य है 2024। लेकिन वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की कार्य समिति की बैठक पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी का फोकस सिर्फ अपनी बैठकों पर है, चुनाव पर है, प्रदेश की जनता पर नहीं है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। आज कार्य समिति के इस दूसरे दिन में चार सत्रों में हमारी कार्य समिति संपन्न होगी। उद्घाटन सत्र होगा, समापन सत्र होगा, बीच में एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा और उसके बाद मोदी सरकार के जो पखवाड़े में हम लोग आज 8 साल की उपलब्धि है उसके संबंध में एक सत्र होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो हमारा होगा वो 4 सत्रों में होगा, तो उसकी सारी रूपरेखा तैयार हो गई है। जनता को धन्यवाद करने का प्रस्ताव है और उसके बाद चंपावत में जो प्रचंड जीत हमको मिली है उसके लिए चंपावत की जनता का धन्यवाद करना है। फिर 2024 का चुनाव है, उसकी पूरी बैठक है, उसके क्या यहाँ से कार्य होने हैं, क्या कैसे बूथों पर काम होगा उसके लिए यहाँ पर मुझे ज़रूर समीक्षा होगी। और माननीय मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर रहेगा, यही सारे काम हैं। समझती हूँ कि जो हमारे केंद्र सरकार को 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्ष पूरे होने के साथ में जिस प्रकार से इस अमृत महोत्सव में जो अच्छे अच्छे कार्य इन 8 वर्षों में हुए हैं उसके उल्लेख भी होंगे और उसका समर्थन भी होगा, उसके लाभार्थियों के साथ हो सकता है संवाद भी हो। मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से हमारी सरकार को 5 साल और करीब अभी 2 महीने करीब हमारी सरकार को हुए हैं, उसकी भी जो हमारे अब तक में कार्यरत रहा है उसकी भी चर्चा उसमें रहेगी। तो निश्चित रूप से आगे हमारी क्या विचारधारा है, आगे हम किस प्रकार से उत्तराखंड को ले जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आज के प्रस्ताव में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम ही यही है कि जिस बात के लिए वो राजनीति में है उसको करने के अलावा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे और पूरे साल के 365 दिन वो चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव जीतना, सत्ता प्राप्ति उनका आखिरी उद्देश्य बन चुका है। कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये शिविर लगाएं, ये कार्यशालाएं लगाएं, आत्ममंथन करें, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ग्रोथ होती है। जनता की ग्रोथ या प्रदेश की ग्रोथ इनके लिए हमेशा गौर रहे। तो बीजेपी का फोकस अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ और इसका फायदा चुनावों से मिलता है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के बाद अब जिलों की कार्य समिति और उसके बाद मंडल की कार्य समिति होगी। मिशन साफ है, क्लियर है, फतह 2024। बीजेपी ने इस मंथन में 2024 का रोडमैप बनाया और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कहा कि दरअसल बीजेपी को चुनावों की चिंता ज्यादा है, जनता के हितों की चिंता नहीं है। लेकिन ऐसे में आज का हमारा सवाल यही है कि क्या जनता के मुद्दों की अनदेखी कर बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव पर है, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है। आज करेंगे हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। तो किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, बूथ लेवल पर मजबूती लानी है और साथ ही साथ मिशन 2024 फतेह करना है, ये लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि लगातार जो मंथन हो रहा है वो आने वाले वक्त में किस तरह से बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाए उसको लेकर हो रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि कांग्रेस ने भी उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूरा जो फोकस दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव पर रहता है और चारधाम यात्रा को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए कि किस तरह से अव्यवस्थाएं हैं वहां पर, बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, फोकस दरअसल ज्यादा चुनावों पर रहा, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया चंपावत में जो अभी उपचुनाव हुआ है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि दरअसल प्रदेश के जनता के हितों की चिंता जो बीजेपी को करनी चाहिए, दरअसल वो हितों की चिंता बीजेपी नहीं करती है, दरअसल बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ दिखता है तो चुनाव दिखता है। लेकिन सवाल फिर यहां पर यह है कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो अपने संगठन को मजबूत कर रही है, उससे उसको फायदा मिल रहा है, तो सभी पार्टियों को इससे सीखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से हश्र उत्तराखंड में हुआ, आपने देखा विधानसभा चुनाव में, उसके बाद उपचुनाव हुआ 19 में, जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो मिशन तो सीधे सीधे
फोकस 2024 पर है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि ध्यान दरअसल ज्यादा बीजेपी का चुनाव पर रहता है। अभिमन्यु कुमार जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी आपका। बाकी मेहमान भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आप ही से अभिमन्यु जी करना चाहता हूं। आपने ठीक है ये रणनीति बनाई है बूथों को मजबूत करने के लिए, और ये रोडमैप 2024 का भारतीय जनता पार्टी बना रही है किस तरह से फतेह करना है, और होना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि आपको प्रदेश के हितों की चिंता नहीं है, प्रदेश के मुद्दों की चिंता नहीं है, आपको चुनाव पर ज्यादा आप लोगों का फोकस रहता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है, इसका मतलब ये जो अभी 2022 में जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है उस पर ये सवाल उठा रही है। वास्तव में यही मूल समस्या है कांग्रेस की, ये जनता पर भरोसा ना करकर जनता की निर्णयों पर सवाल उठाती है, और ये यही इसकी समस्या है। तो ये जो जनता के निर्णय को स्वीकार ही नहीं कर पाती, सम्मान करना तो बात दूसरी है, तो उसका क्या असर होगा? यही असर होगा जो इस समय हो रहा है, लगातार कांग्रेस पतन की ओर चल रही है। तो ये इनको सोचना चाहिए कांग्रेस वालों को, ऐसा क्यों करते हैं, जनता के विवेक पर इनको भरोसा क्यों नहीं है आखिर, क्या वजह है? कहीं जनता से इस तरह पूरी तरह कट चुके हैं, जनता से इनका कोई संपर्क रहता है कि नहीं रहता? इनके उत्तराखंड में, उत्तराखंड कांग्रेस का एक अच्छा खासा संगठन है, क्या वो बिल्कुल लुंजपुंज हो गया है? वो जनता से पूरी तरह कट गया है, उसका जनता से कोई संपर्क नहीं है? तो जनता के मन की बात, प्रधानमंत्री मन की बात की मजाक उड़ाते हैं, तो जनता के मन की बात उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, इससे और क्या प्रतिक्रिया दी जा सकती है बेतुका वक्तव्य पर? नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं कि आपका जो पूरा फोकस था अभी उपचुनाव जो चंपावत में हुए उस पर था, वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भैया चारधाम यात्रा में जिस तरह की अव्यवस्थाएं हुई हैं उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए था, उस पर नहीं था। अब आपको प्रदेश की जनता के हितों की चिंता करनी चाहिए, आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी वक्तव्य में सच्चाई कितनी है? सवाल तो ये है ना, आखिर हम जनता के हम मानते हैं कि संगठन से सरकार बनती है और सरकार फिर दलित के काम करती है, ये साइकिल हमारा लगातार चला हुआ है, इसलिए हम दिन रात हम जनता हमें आशीर्वाद क्यों दे रही है? इसलिए तो हम जनता का भरोसा जीतते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। आज जो ये जो चार धाम यात्रा पर श्रद्धालु और पर्यटक जो आ रहे हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की थी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं, इससे उत्तराखंड का फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? क्योंकि अरे कुछ घटनाएं हो रही हैं, इतनी बड़ी जबरदस्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और उसमें एक दो घटना होती है जो वहीं पर सीमित कर लेते हैं अपनी सारी चीजों को, ये नहीं देखते कि आज 16 लाख से ऊपर यात्री यहाँ पहुंच चुके हैं, आखिर वो उनकी जो व्यवस्था की जा रही है, उनका सारा यहाँ पर आ रहे हैं, उसकी यहाँ पर जो आर्थिक हमारी रीढ़ है उसको लाइफ लाइन है उसको मजबूत कर रहे हैं, उनको ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, उसका स्वागत नहीं करेंगे? ये का जो घटना हो रही है जिनकी हमें चिंता है और व्यवस्था की जा रही है, उसको उसको ही हमेशा जिक्र करेंगे, और इस तरह से चाहेंगे कि आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं ये देश की जनता को कि यहाँ ना आए, यहाँ अव्यवस्था है? कौन से यहाँ हर समझ में नहीं आता, ये जनतांत्रिक पार्टी है या केवल एक परिवार की पार्टी रह गई? कृपया करके जनता के बारे में थोड़ा सोचे। अच्छा, मथुरादत जोशी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी आपका। समस्या क्या है जोशी जी कांग्रेस पार्टी को, अगर कोई अपने संगठन को मजबूत कर रहा है बूथ लेवल पर, मजबूती पार्टी को मजबूत कर रहा है, कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति पर मंथन करने के लिए बुला रहा है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी को क्या समस्या? ये तो सबको हक है ना जोशी जी कि अपने संगठन को मजबूत करे, तभी तो आने वाले दिन चुनाव में उसको जीत हासिल होगी। बिल्कुल बिल्कुल हक है, हम कहीं कोई आपत्ति नहीं कर रहे, क्यों कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हमने भी कहा, हम ये कह रहे हैं कि जो बात ये कह रहे हैं इसके अलावा भी प्रदेश को बहुत से अन्य काम भी है, प्रदेश अर्थव्यवस्था से कर्मनाशी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, चार धाम यात्रा की क्या स्थिति के सामने है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, पलायन पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं, लोग बैठ से जरा सारे लोगों से बातचीत करें, सारे नेताओं से इस बार बातचीत कर लें, बिठाएं हथियारे बिठाएं, पलायन पर करें ना चर्चा, पलायन क्यों हो रहा है, सारी सीमांत जनपद खाली हो रहे हैं,
सीमांत के गांव खाली हो गए हैं, और पुनर्वास की बात क्यों नहीं करते जिन लोगों को, जो लोग आपदा के जद में है उन गाँव को 363 गाँव अभी पुनर्वास की जद में इंतजार कर रहे हैं, कब हमारा पुनर्वास होगा। तो मुद्दे कई है, कोई एक मुद्दा नहीं है कि इससे बात करें कर, लेकिन सरकार को या संगठन को या भाजपा को चुनाव ही 24 घंटे दिखाई देता है क्या? लोकतंत्र है, देखिए लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, कभी कोई हारेगा कभी कोई जीतेगा, परमानेंट सत्ता किसी की भी नहीं होती। ठीक है, अभी आपका समय ठीक चल रहा, जनता को हमारा 500 का सिलेंडर पसंद भी था, भारतीय जनता पार्टी का 1000 का सिलेंडर पसंद है, वो अच्छी बात है, उनको पसंद आ गया, उनको जीत मिल गई तो सत्ता में रहेंगे। अगर हम कहते थे कि हम आपको 300 बिजली फ्री देंगे और इन्होंने आते ही बिजली के दाम 16-17% बढ़ा दिए, वो जनता को पसंद है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है जनता की समस्याओं को उठाना, हम उठा रहे हो, हम हमारी गलती है, हम जनता को नहीं समझा पाए अपनी बात तरीके से, और भाजपा हर चीज जनता के बीच में लड़ भी मार रही है और जनता फिर भाजपा को वोट भी दे रही है, समझ रही है, अच्छी बात है, ये तो जनता का निर्णय है, जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है, उसने जो निर्णय ले लिया वो सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन क्या भाजपा इसी तरीके से वोट लेती रहेगी क्या? एक बार लेगी, दो बार लेगी, तीन बार लेगी, देखिए कितनी बार लेती है ये भी देखते हैं, तब तक भाजपा के बीच में जनता लड़ने लग जाएगी, एक समय तो आएगा बन जाएगी। इसलिए हम इन बातों को बार बार उठा रहे हैं। आप बताइए, इन्होंने जो 2017 का इनका घोषणा पत्र उठा के देख दिया, अवनी कुमार की परिश्रम नेता है और विद्वान आदमी है, वह सज्जन आदमी, 2017 का घोषणा पत्र है, इन्होंने कहा था कि लोकायुक्त लाएंगे, ले आए लोकायुक्त, अभी तक आ गया लोकायुक्त, बन गए, इन्होंने कहा था हम छात्रों को लैपटॉप देंगे, जो मेधावी छात्र है उनको लैपटॉप देंगे, कितने छात्रों को लैपटॉप दिए, आनंद फानंद में जब चुनाव सिरका आ गया तब इन्होंने टैबलेट बांटे, अभी भी नहीं बताए पूरे टैबलेट उनको बांटने में लगे हुए, अब अगले साल के टैबलेट जो आज मिल जाने चाहिए थे, जिस बच्चे ने हाईस्कूल पास किया है अगर उसको मिल जाने चाहिए थे वो टैबलेट ये अभी नहीं देंगे, 2024 में चुनाव आ रहा है तो उसका इंतजार करेंगे, वहां ये टैबलेट बांटेंगे उस समय ताकि बोर्ड का पोलराइजेशन कराया जाए, और जो काम इनके अधिकार क्षेत्र में भी वो काम कहते ही हम करेंगे, उसके लिए कह रहे हैं हम करेंगे, आपके सबके सामने है गवर्न सिविल कोड जो इनकी पावर में नहीं है, संविधान इनको अधिकार ही नहीं देता, राज्यों को अधिकार नहीं देता है, केंद्र सरकार का विषय है, और ये कह रहे हैं कि हम गवर्न सिविल कोड ला रहे हैं बड़े जनता का ध्यान भटकाने के लिए, भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो है क्या इनके पास, बताओ ना, ये चर्चा करें अच्छी बात है, हम तो करें अपनी बैठकों में इस बात पर चर्चा करें कि इस प्रदेश में भैया पलायन हो रहा है, उस पर चर्चा करो, भैया कहाँ हो भाजपा के नेताओं, पलायन का जितने लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, अविनय कुमार जी से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को कम से कम पहाड़ में भेज दो, जो गांव खाली होंगे उन गांव में तो जाओ देखो क्या हालत है, जो चार धाम यात्रा में रोज तरह रोज दुर्घटनाएं हो रही है, लोग काल कल्पित हो रहे हैं उनको देख लीजिए, ये पहली सरकार होगी, आदमी तो मरे ही मरे इनके कार्यकाल में, दुर्घटनाएं तो हुई भी, आप देखिए जानवरों की भी दुर्घटना हो गई, खच्चरों में जाम लग गया, खच्चर मर गए, घोड़ा खच्चर मर गए, लेकिन सरकार उसको देखने वाली नहीं है, प्रधानमंत्री के कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है केदारनाथ में बिजली न होने पर, प्रधानमंत्री का कार्यालय हस्तक्षेप करता है, और सरकार अपनी पीठ को बता रही है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये सरकार कह रही है, इतने विषय है इस सरकार का, आप घंटों चर्चा कर दीजिए, विषय खत्म नहीं होंगे। ठीक, अभिमन्यु जी जवाब दीजिए, अभिमन्यु जी वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल मुद्दों पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए, वो आप लोगों का फोकस नहीं है, बहुत से उदाहरण जोशी जी ने अभी गिनाए हैं, उसका जवाब दीजिए। जी एक्चुअली वास्तव में मथुरादत्त जोशी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बड़े सम्मानित नेता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो आखिर ये क्यों भूल जाते हैं, जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो इस उत्तराखंड में 20 साल में 10 साल कांग्रेस का भी शासन रहा है, उन्होंने तो बेरोजगारी का प्लान का मुद्दा उठाया, तो आखिर उनको भी सोचना चाहिए, वो भी शासक 10 साल तक उन्होंने शासन किया है, तो क्या उसमें ये मुद्दे नहीं थे, क्या उस उन दिशाओं में कोई काम नहीं हुआ, 20 सालों में लगातार काम हो रहा है, उसका परिणाम भी आ रहा है, लेकिन आपको केवल वही उन्हीं को बार बार उन्हीं को रट लगाया रखते हैं, और एक बात और कही इन्होंने बहुत जो कि हम जनता को नहीं समझा पाए, मैं हैरान हूँ, क्या जनता बेवकूफ है, जनता ना समझ है,
उसको समझाने पे ही वो समझती है, उसका अपना विवेक नहीं है। यही वास्तव में एक्चुअली क्या है कि जनता के प्रति समर्पण जो है पार्टी का खत्म होता जा रहा है। जब परिवार के प्रति समर्पण बढ़ जाता है, जनता पीछे छूट जाती है। जब इस प्रकार के वक्तव्य आने होते, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, इन्होंने ये बात कही तो जनता को समझा नहीं पाए। जनता समझती है, अच्छी तरह समझती है और समझ बूझ कर ही वो निर्णय लेती है। दूसरी बात, बार बार चुनाव की बात करते हैं भाई, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हमने की है तो इसको सपोर्ट करते हैं। आखिर हम भी ये चाहते हैं ना कि जनता का अधिक से अधिक भला हो, तो चुनाव में एक बार में चुनाव पहले होते रहे हैं तो हमने ही प्रपोजल दिया है एक राष्ट्र एक चुनाव। आज तक कांग्रेस लगातार विरोध क्यों कर रही है? अगर ये सब हो जाएगा तो 5 साल में एक बार चुनाव आएगा, तो उसमें लोकसभा का भी चुनाव हो जाएगा, विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा, पंचायत और निकाय के भी चुनाव हो जाएंगे। पहले ऐसा होता रहा है तो उसमें आगे नहीं बढ़ते, उसमें सहयोग नहीं करते। अगर जनता की इतनी चिंता है, मुद्दों की इनको इतनी चिंता है और ये अच्छा शासन देना चाहते हैं तो फिर उसको स्वीकार करें, आगे बढ़े, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चुनाव 5 वर्ष में एक बार होंगे, इसमें क्या आपत्ति है इनको? बस लेकिन आलोचना करनी है कि चुनाव, अरे जब चुनाव आएंगे तो करें। अभी लोग अभी पंचायत चुनाव आने, निकाय चुनाव आने, क्या करें? पार्टी हम तैयारी ना करें उसको चुनाव न लड़े, मजबूरी है। तो जब हम कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, उस पर आप विरोध करते हैं। आखिर आप राष्ट्रीय पार्टी है, 50 साल तक जनता ने आपको शासन करने का अवसर दिया, तो ऐसी जो राष्ट्र के हित में चीजें हैं, जो जनता के हित में मुद्दे हैं, उन पर क्यों नहीं आप खड़े होते सरकार के साथ? ये है मेरा सवाल। जोशी जी, इनके साथ, इसके साथ हमारी विचारधारा ही नहीं मिलेगी। जो काम ही ऐसा करेंगे, आप बताए कॉमन सिविल कोड में हम इनके साथ कहाँ खड़े नहीं है। हमने कहा ना, लाइए ना आप कॉमन सिविल कोड अगर आपका हिम्मत है, करिए ना। सारे जितने भी हमारे लोकल एक्ट हैं आप खत्म कर दीजिए ना, अगर आपका अधिकार है तो। आप कमेटी बनाने का नाटक क्यों कर रहे हैं? आप तमाम तरीके के लोगों को क्यों बिठा रहे हैं? RSS के लोगों को बिठा के उसमें चर्चा करा रहे हैं? अगर आपका नैतिक अधिकार है, नैतिक अगर आपका साहस है तो कर दीजिए ना, कल कौन मना कर रहा था? मैंने कोई गलत मुद्दे उठाए तो आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप पलायन पर चर्चा करिए ना। आपने पलायन आयोग बनाया, वो पलायन आयोग बॉडी उसका कार्यालय खुला, बॉडी खुलने के बाद पलायन आयोग पलायन करके देहरादून आया, आप देहरादून से पलायन आयोग, पलायन आयोग पलायन करके गाजियाबाद चला गया। बताइए आपने क्या प्रयास किया उसमें लोगों को रोकने के लिए? कितने लोग आपने रोके? जितने लोग कोरोना काल में घर वापस आए थे उनको ये उनको रोजगार नहीं दे पाए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। आज ये कह रहे जनता के मुद्दे हम नहीं उठा रहे, हम तो बार बार उठा रहे हैं। बताइए इस वक्त ये सारे राशन कार्ड जमा करवा रहे हैं, करवा रहे राशन कार्ड जमा, भैया आपकी एजेंसी है जो फर्जी राशन कार्ड है, आप उसको चेक करिए और खत्म कर दीजिए उसको। आप लोगों का जो है कि राशन कार्ड जमा कराइए, आपका नहीं बन सकता है, आपका बन सकता है। बात जनता ठीक है, हम नहीं समझा पा रहे जनता को। आप कह रहे हो कि आपको ताजुब होगा, मैं हमको आपसे बड़ा ताजुब हो रहा है कि हम जनता को कह रहे हैं कि हम आपको 500 का सिलेंडर देंगे और आप जनता को 1000 से भी ऊपर का 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। हम नहीं समझा पाइए तो हमारी कमजोरी है, सब कुछ हो रहा है। आप बड़े चतुर लोग हैं, बड़े जादूगर हैं कि आप 1000 का सिलेंडर देते रहे, हम कह रहे हैं हमारा सिलेंडर 500 का, हम नहीं बेच पा रहे। ये बिल्कुल हम बोल कह रहे हैं ना, मान रहे हम तो इसलिए तो सत्ता से बाहर थे। हमने कहा कि हम 300 ही बिजली आपको दे देंगे और आपने आपकी सबसे बड़े बिजली के दाम बढ़ाए। मैं कह तो रहा हूँ हम है बेकूफ, इसको कोई दो राय नहीं। और विजय भाई आप ठीक कह रहे हो, आपको ताजुब लग रहा होगा, निश्चित रूप से आपको हमारी बिजली में, हम लोग तो जनबुद्धि लोग हैं, आपको हमारी बिजली कहाँ है? आप तो होशियार लोग हो, इतने बड़े जादूगर लोग हो, इतनी बड़ी दुगदुगी और इतना बड़ा गबरू आप बजाते हो, आपके बाद ऐसा गबरू बजाने वाला व्यक्ति भी है कि जो 1000 का सिलेंडर बिल्कुल खुशी खुशी दे के रहा, जनता उसको आराम से ले रही है, कहीं क्यों नहीं कर रही है, कहीं बात नहीं कर रही। ठीक है, निश्चित रूप से नहीं कर रही है भाई। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन राजू मौर्य जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनको थोड़ा सा डिबेट में जोड़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी से हैं, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत राजू जी आपका, थोड़ा लेट आप जुड़े हैं, लेकिन सवाल आप लोग भी उठा रहे हैं कि आप लोगों को भी दिक्कत है कि अगर कोई पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को भी उस पार्टी से दिक्कत है? ये तो अधिकार सबको है राजू जी। माननीय बैठकों में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, संगठन को मजबूती
की तरफ ले जाए कोई भी पार्टी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन विषय ये है कि ये सरकार है, ये सिर्फ संगठन नहीं है। इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, उस यात्रा को किस प्रकार से सक्सेस करें, कामयाब करें, मंथन इस पर होना चाहिए, मंथन इस पर होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर जो आपदाएं आती है उनसे कैसे निपटा जाएगा आने वाले 5 सालों में। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी बैठकों में उत्तराखंड को लूटने की प्लानिंग कर रही है। वो बैठक संगठन को मजबूत करने की नहीं हो रही है, वहां बैठ करके उत्तराखंड के संसाधनों को लूटने की मीटिंग हो रही है। किस तरीके से लूटें, वरना दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य का कि सत्ता पर बार बार बैठने के बावजूद अब बोलते हैं नई सरकार है, अभी नई नई सरकार है। अरे काहे की नई सरकार हो भाई, पिछले 5 साल आप ही ने तो राज किया है, पिछले 5 साल के फेलियर से आप लोग कुछ नहीं सीखे। आपको बैठक करनी चाहिए इस टाइम, और बैठक करके ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको कैसे कंट्रोल करें। ऊर्जा प्रदेश के अंदर बिजली कितनी महंगी करती है उत्तराखंड सरकार ने, लेकिन नहीं, इनके मंत्री, इनके विधायक चिट्ठियां लिखने में, प्रमोशन की सिफारिशें करने में व्यस्त हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं है उत्तराखंड की, कोई लेना देना नहीं है उत्तराखंड से। ये लोग केवल और केवल उत्तराखंड के संसाधनों को लूटने में विश्वास रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनका। मेरा सवाल है, आखिर आज चारधाम यात्रा शुरू हुई तो इनके मंत्री जी दुबई में जाकर के शेखों को सौल उड़ा रहे हैं। अरे आप आके देखिए, आपके मंत्रालय है आपका भाई, लोग मर रहे हैं यात्रा में, लेकिन नहीं, उस पर चर्चा क्यों करनी है, उत्तराखंड के डेवलपमेंट में चर्चा क्यों करनी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ संगठन, अरे भैया पन्ने तक मोहल्ले तक है तो संगठन आपका, बहुत अच्छा संगठन है आपका, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन आपको केवल चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, काम करना चाहिए। जवाब दीजिए आप अभिमन्यु जी, चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, सवाल दोनों ही दल के नेता उठा रहे हैं। देखिए पहले इनकी तो एक ही बात, राजू मोर्या की तो एक ही बात कहना चाहते हैं, उसमें सारा काम, सारा विषय आ जाएगा। क्या अखबार नहीं पढ़ते क्या आप? आज भूपेंद्र जैन की स्थिति क्या है, ये लूट लूट की बात कह रहे हैं, वहाँ तो सारे, वहाँ पर सारे तथ्य सामने आ रहे हैं जनता के सामने। अभी अदालत में जाएंगे तो वहाँ भी पता लग जाएगा। खैर मैं तो अभी जो हमारे बड़े भाई जोशी जी की बात को ही बड़ी करना चाहूंगा, लेकिन मैं जोशी से उनकी बात बड़ी करते हुए पूछना चाहूंगा, क्या इन 8 सालों में 9 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन नहीं मिले? क्या 45 करोड़ लोगों के जनधन खाते नहीं खुले, उनके खाते जो बैंक की जोड़ी पर नहीं चढ़ सकते थे? क्या 1 रुपए प्रति माह में 2 लाख रुपए का सामाजिक जीवन बीमा सुरक्षा नहीं मिला लोगों को? क्या 6 लाख गाँव में शौच से मुक्त नहीं हुए? 2.5 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया? अभी जल, यानी के पेयजल 75वें साल में हमको ये जो स्तर पर काम चलाना चाह रहा कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, 9.5 करोड़ लोगों को हम पेयजल पहुंचा चुके हैं। कोरोना काल में जो समय सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, बिजली के माध्यम से 20 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किया गया, किसानों के 12 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया। क्या छोटी, ये छोटी बड़ी की बात है? 35 करोड़ लोगों का मुद्रा लोन हमने दिया 8 सालों में, कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को हम मुद्रा यानी राशन देने में सफल हो रहे हैं। उनका यानी के जब उनके पास कोई रोजगार नहीं था, कोई आय के साधन नहीं थे, तो उस समय वो भुखमरी का कोई शिकार ना हो जाए, उसके लिए सरकार ने सस्ता राशन उपलब्ध कराया। आज से वो तीसरा साल चल रहा है आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए, जो उनके 5 लाख का फ्री इलाज, ये पहले भी हो सकता था, इस तरह ना 8 साल में उसकी व्यवस्था चल रही है। इतने सारे काम हुए हैं, ये आवास योजना, एक गरीबों को उनका अपना घर मिल जाए, सबका घर मिल जाए, जिनके बिजली कनेक्शन हो, पानी हो, ये अपना गैस कनेक्शन हो, छोटी उपलब्धि है। अरे इन्हीं का थोड़ा आप चिंता नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी स्वीकृति तो कर लो कि हाँ ये क्या है। आखिर ऐसी थोड़ी जनता मोदी जी की दीवानी है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे कि आखिर हम चुनाव भी लड़ते हैं, जनता के लिए काम भी करते हैं, और ये तो पखवाड़ा ही हमारा सेवा सुशासन उसके लिए गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि हर साल चुनाव जीतने के हर साल बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं, तो
जब हमें स्थानीय पता, अभी भी हमारा ये जो लाभार्थियों से संपर्क अभियान शुरू होने वाला है, और जब उनके बीच में जाएंगे पता लगेगा कहाँ क्या खामियां हैं, उनको फिर दुरुस्त करेंगे। तो लगातार जनता से संपर्क करना, लगातार जनता अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, जो नियमित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जरूरतें हैं, जिला बैठकें हैं, मंडल बैठकें हैं, ये सब व्यवस्थित रूप से करना, अपनी बात वहां तक पहुंचाना, उनके माध्यम से जनता तक अपनी बात करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, लगातार करती रहती है। अटल जी का वक्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी साल में 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। कि आज भी जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय संसद में कहा, हम लगातार इस बात को फॉलो कर रहे हैं। हम 50 साल प्रतिपक्ष में, विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहकर हमने जनता का दिल जीता। ठीक है सर, ये भी 8 साल से विपक्ष में है, क्या किस प्रकार के वक्तव्य है? ये भारत विरोध को, यानी मोदी विरोध को, मोदी सरकार के विरोध को, भारतीय जनता ठीक है, ये जनता को तय करना है। और किसी भी पार्टी को पूरा हक है कि वो अपने संगठन को मजबूत करे, पार्टी को मजबूत करे, इससे किसी पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आरोप अभिमन्यु जी विपक्ष ने लगाया वो ये था कि दरअसल ज्यादा जो फोकस आप लोगों का मुद्दों पर नहीं है, चुनाव को लेकर ज्यादा फोकस रहता है, इसी पर पूरी चर्चा थी। कौन तय करेगा? ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा जोशी जी, अभिमन्यु जी और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी राजू मौर्या जी जुड़े थे, आप तीनों का शुक्रिया वक्त देने के लिए, क्योंकि चर्चा यही समाप्त करनी होगी, वक्त की कमी है। लेकिन सवाल फिर यह है मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अभी सही बैठकों का दौर शुरू हो गया है और अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी में दी भी जा रही हैं, किस तरह से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए और 2024 फतह की जाए। बड़ी बहस में इतना ही, इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।